हरियाणा बंद का प्लान फ्लॉप साबित हुआ या फिर सक्सेसफुल, ये तो आप फैसला करें। मगर भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति ने हरियाणा बंद का ऐलान तो फुल कॉन्फिडेंस में किया था, मगर आधे दिन में ही जाम खुल गया। वैसे बहादुरगढ़ में आज प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल काटा, लेकिन हाईवे जाम घंटों बाद उपायुक्त शक्ति सिंह के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। किसानों ने हरियाणा बंद की कॉल के दौरान बंद का समय शाम 4 बजे तक तय किया था, लेकिन उससे पहले ही उपायुक्त शक्ति सिंह और एसपी डॉक्टर हर्षित जैन हाईवे पर जाम लगाकर बैठे किसानों के बीच पहुंचे और कई देर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में बनी सहमति के बाद किसानों ने हाईवे पर रास्ता खोलने का फैसला ले लिया। पूरे विषय में जो निर्णय हुए थे उसमें थोड़ी सी कुछ शंका इन किसान भाइयों को है, तो उस विषय में मैंने अनुरोध किया है कि जी आपको अगले विदिन 3 डेज कोशिश करके हम सरकार से पुनः वार्ता करा करके वो जो शंका है उसको दूर करेंगे या जो भी उसका समाधान निकलेगा जल्द से जल्द उसका समाधान निकालेंगे। अभी प्रोटेस्ट एंड हो गया है, ये आप उनसे बताएं, ये पूछ कर बताएंगे। मैंने अनुरोध यही किया और मेरे ख्याल से हो भी जाना चाहिए लोगों को। बता दें कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार के लिए हरियाणा बंद की कॉल दी थी। उसी के तहत किसानों ने बुधवार को बहादुरगढ़ में एकत्रित होकर केएमपी के पास हाईवे को जाम किया था। करीब बस 12:30 बजे उपायुक्त शक्ति सिंह और एसपी डॉक्टर अर्पित जैन किसानों के बीच पहुंचे और बाद में दोनों पक्षों के बीच बनी आपसी सहमति के बाद किसान हाईवे से हट गए। प्रजातंत्र में बातचीत का दौर चलता है। हमारे 25 सूत्री जो मांग है उनके संदर्भ में जो सरकार की तरफ से हमारे उपायुक्त शक्ति सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर सरकार से वार्ता करवाई जाएगी, तो इसलिए प्रजातांत्रिक मूल्य को और संविधान को मानते हुए हमें जो है इस रास्ते को आप जो हमारा बनता आज उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। हमारी वार्ता होने के बाद फिर हम आगे का निर्णय करेंगे, लेकिन 25 की 25 मांगे कुछ हरियाणा सरकार के अंतर्गत है, कुछ सेंटर के। हमारा कहना है जो सेंटर के अंतर्गत है उनके केंद्र को सिफारिश की जाए और जो हरियाणा के क्षेत्र में आती है उनको हल किया जाए। तो इसलिए हमारी 25 मांगों को मैं फिर दोहरा देता हूँ। मुख्य हमारे जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को जो रेट बढ़ाया उसका संशोधन, 4 किलोमीटर का जो कानून बना था उसमें हम कुछ बदलाव चाहते, रद्द भले ही न करे बदलाव करे। हिंदू कोड बिल में जो समगोत्र विवाह, क्योंकि हमारी हरियाणा की संस्कृति अलग है, उसको अवैध करार दिया जाए। MSP की गारंटी और SYL को सेना को सौंपा जाए और जो कर्जा मुक्त किसान हो देश का उसकी सिफारिश सेंटर को भेजी जाए। तो हमारी जो मांग है वो उन पे बात करने के लिए जब सरकार राजी है तो आज का शांतिपूर्वक तरीके से निपटा और हमने पूर्ण रूप से यहाँ जो एम्बुलेंस है, जो बच्चे हैं, सबको हमने यहाँ से निकाला। आज ये लगभग 1:30 बजे हम इसको अब स्थगित कर रहे हैं, जब तक सरकार से वार्ता होकर के अगला कदम हम आपको बता देंगे। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को अगले 3 दिनों के भीतर ही सरकार से वार्ता कराए जाने का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद ही किसान हाईवे खोलने को राजी हुए हैं। वैसे अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में किसानों की सरकार से मीटिंग कितनी सफल रहती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।